हेलो एवरीवन, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थे उनको डिस्कस किया था। उसी के कंटिन्यूएशन में जो एक अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है वो है पिरोल, पिप्रिडीन और पिरिडीन की बेसिसिटी, कि इन तीनों की बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है और उसका रीजन कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इनकी बेसिसिटी को डिस्कस करने से पहले हम पहले इनकी स्ट्रक्चर को एक बार देखते हैं कि ये बेसिक कैरेक्टर के हैं या नहीं हैं, और हैं तो किस रीजन से। तो ये तीनों ही कंपाउंड की आपको स्ट्रक्चर यहाँ दिख रही होगी, पिप्रिडीन, पिरिडीन और पिरोल। तो इन तीनों ही कंपाउंड में आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन एटम पे क्या होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा सभी जगह पे, कि तीन बॉन्ड पेयर है और दो इलेक्ट्रॉन किसके रूप में रहते हैं, लोन पेयर के रूप में रहते हैं। तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और आप जानते हैं कि लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब कोई कंपाउंड लोन पेयर डोनेट करेगा तो किस कैटेगरी में रखा जाता है, बेस की कैटेगरी में। तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण ये तीनों ही कंपाउंड कैसे होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। अब बात आती है कि बेसिक तो हैं बट इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, कि इनकी क्षारकता का क्रम क्या होगा, कौन ज़्यादा क्षारीय है कौन कम है, तो वो यहाँ पर हमें डिस्कस करना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों ही बेसिक किसके कारण है, लोन पेयर के कारण। तो जो जितना इजीली लोन पेयर डोनेट कर पाएगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक कंपाउंड होगा, और जो लोन पेयर इजीली नहीं डोनेट करेगा वो लेस बेसिक होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर में जैसे हम यहाँ देखें कि जब हम पिप्रिडीन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है इसमें, तो जो नाइट्रोजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, फ्री हैं, वो इजीली डोनेट किए जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम पिरिडीन और पिरोल की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। जब आप पिरिडीन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि क्या होती है, एक सिक्स मेंबर्ड रिंग होगी और इस तरह से कॉन्जुगेशन आपका प्रेजेंट होता है। जब पिरोल की हम बात करते हैं तो पिरोल में क्या होता है, फाइव मेंबर्ड रिंग होगी और उसमें भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं पिरिडीन के और पिरोल के, ये क्या होंगे, कॉन्जुगेशन में पार्ट लेंगे या ले सकते हैं। तो इसके कारण ये पिप्रिडीन के इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिव कम इजीली अवेलेबल होंगे। तो इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाता है, पिरिडीन का और पिरोल का पिप्रिडीन से कम हो जाता है। अब बात करें कि पिरिडीन और पिरोल में किसका ज़्यादा होगा, तो पिरिडीन के जो लोन पेयर होते हैं, आप जानते हैं कि पिरिडीन के स्ट्रक्चर में जो लोन पेयर आएंगे उनको हमें इसका एरोमेटिक जो आपका षष्टक होता है कि एरोमेटिक, हाँ जब हम अकल रूल से इलेक्ट्रॉन्स के नंबर निकालते हैं तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं दोनों ही कंपाउंड। जो आपका पिरिडीन है उसमें जो हकल रूल के अकॉर्डिंग सिक्स इलेक्ट्रॉन हमें कंप्लीट करने हैं उसके लिए आपको नाइट्रोजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं होती, बट पिरोल में दो तो क्या होंगे आपके, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे और एक होता है आपका लोन पेयर के दो इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे पिरोल के वो एरोमेटिक षष्टक के लिए ज़रूरी हैं, और वो क्या करते हैं, रेजोनेंस में पार्ट लेंगे जिसके कारण इसकी एरोमेटिसिटी कंप्लीट होगी। तो पिरोल के लोन पेयर तो पार्ट लेंगे अनुनाद में, लेकिन पिरिडीन के पार्ट नहीं लेते हैं। तो पिरोल क्या करेगा, लेस इजीली अवेलेबल कराएगा इलेक्ट्रॉन को कंपैरेटिव पिरिडीन। इसलिए हम क्या कहेंगे कि पिरिडीन की बेसिसिटी पिरोल के कंपैरेटिव क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है। तो उनकी बेसिसिटी का ऑर्डर आप यहाँ देख सकते हैं, पिरोल सबसे लेस बेसिक है, देन पिरिडीन और उसके बाद पिप्रिडीन। तो इस तरह से इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर हम बता सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
यहाँ पे आप इसकी बेसिसिटी का जो ऑर्डर था उसको हम यहाँ पे इसकी अनुनादी संरचनाओं से भी समझ सकते हैं, जो अभी आपको बताया गया कि पिरोल के। तो देखिए यहाँ पे इसके अनुनादी संरचना में इसके लोन पेयर पार्ट ले रहे हैं यहाँ पे, और वही सर्कुलेट होके इसकी एरोमेटिक स्ट्रक्चर में काम आते हैं। लेकिन पिरिडीन के आप देखिए यहाँ पे इसकी सभी अनुनादी स्ट्रक्चर्स में पिरिडीन के लोन पेयर इसके अनुनादी संरचनाओं में भाग नहीं ले रहे, इसलिए पिरोल की स्ट्रक्चर तो क्या होगी, पिरोल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लोन पेयर यूज आ रहे हैं और पिरिडीन में नहीं आ रहे, तो ये इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर है।